हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे गुलियन बारी सिंड्रोम के बारे में। आज हम देखेंगे कि हमारा गुलियन बारी सिंड्रोम क्या होता है। हम स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन, इट इज़ एन एक्यूट रैपिड डिजीज़ विथ प्रोग्रेसिंग असेंडिंग इन्फ्लामेटरी डिमाइलेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी ऑफ पेरिफेरल सेंसरी एंड मोटर नर्व्स। हमारी एक ऐसी डिजीज़ होती है जिसमें हमारा जो हमारे मोटर और सेंसरी नर्व्स होती हैं, इनमें जो माइलिन शीथ की कवरिंग होती है उनका डीमाइलेशन, मतलब उनका रिमूवल हो जाता है, उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसे हम बोलते हैं डीमाइलिनेशन। इस डिजीज़ को हम बोलते हैं गुलियन बारे सिंड्रोम। जैसे हम उस पिक्चर में देख सकते हैं, पहले में हमारी कवरिंग पूरी है येलो कलर में, सेकंड में देख सकते हैं हमारी जो ब्रेन नर्व है वो एक्सपोज हो जाती है और हमारा जो कवरिंग है वो डैमेज हो जाती है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं गुलियन बारे सिंड्रोम। इटियोलॉजी हमारी होगी अननोन, हो सकता है हमें नहीं पता क्या होगा, इडियोपैथिक है, GI इन्फेक्शन हो सकता है, माइकोप्लाज्मा निमोनिया हो सकता है, HIV वायरस हो सकता है, कैंपाइलोबैक्टर जेजुनाई हो सकता है, एफटीन वायरस हो सकता है, हीमोफाइज इन्फ्लुएंजा, वेरिसोला जोस्टर वायरस, ये हमारे इतने कॉजेस हो सकते हैं। पैथोफिजियोलॉजी में देखेंगे हमारा नोट्स ऑफ रैनवियर में, ठीक है, हमारा फिर उसके बाद हमारा लीड्स करेगा एंटी GB1 एंटीबॉडी एज पार्ट ऑफ मोलिकुलर मिमिक्री लीड्स टू कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड इंजरी एट पैरा नोडल एक्सॉन, लीड्स टू डिसरप्ट द क्लस्टर ऑफ सोडियम चैनल्स, कंडक्शन ब्लॉक, लीड्स टू फ्लेसिड पैरालिसिस। ठीक है, हमारे पैथोफिजियोलॉजी होगी। टाइप्स में देखें, सबसे पहले हमारा टाइप्स है एक्यूट इन्फ्लामेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीरेडिकुलो न्यूरोपैथी AIDP, इम्यून मीडिएटेड अटैक ऑन माइलिन, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस, मोटर एंड सेंसरी फाइबर्स अफेक्टेड। हमारा एक्यूट इन्फ्लामेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीरेडिकुलर न्यूरोपैथी में क्या होता है, हमारी जो मोटर सेंसरी नर्व्स होती हैं इनकी जो माइलिन शीथ होती है वो डीमाइलिनेट हो जाती है या उन पर एंटीबॉडी एंटीबॉडी का अटैक होता है, जिसकी वजह से वो डैमेज हो जाती है और हमारे लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस का वहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है। ठीक है, सेकेंड हमारा एक्यूट मोटर एक्जोनल न्यूरोपैथी AMN। ठीक है, एंटीबॉडीज अटैक टू एक्जोनल मेम्ब्रेन एक्टिवेट्स कॉम्प्लीमेंट एंड इंस्ट्रूजन ऑफ मैक्रोफेजेस कॉजिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ एक्जोन्स। हमारा यहाँ पे क्या होगा, हमारी जो एक्जोनल एंटीबॉडीज जो होती है वो हमें एक्जोनल की मेम्ब्रेन को अटैक करेंगी, वहाँ पे वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होगा जिसकी वजह से हमें मैक्रोफेजेस का इंट्रूजन होगा, हमें एक्जोन्स को डैमेज कर देंगी। ठीक है, तीसरा हमारा है एक्यूट मोटर एंड सेंसरी एक्जोनल न्यूरोपैथी AMSAN, इट कॉजेज डिस्ट्रक्शन ऑफ एक्जोन्स इन सेंसरी एंड मोटर बोथ नर्व्स, पुअर प्रोग्नोसिस एंड सीवियर कोर्स। फोर्थ हमारा है मिलियन फिशर सिंड्रोम, मिलर फिशर सिंड्रोम, ऑक्युलर मोटर नर्व्स अफेक्टेड, मतलब हमारा वो मेनली ऑक्युलर मोटर नर्व्स अफेक्टेड होती हैं, इसमें हमारा ट्राइड सिम्टम प्रोड्यूस होता है, ऑप्थेल्मोप्लेजिया होगा, एरिफ्लेक्सिया होगा, अटैक्सिया होगा, ऑटो एंटीबॉडीज अगेंस्ट गैंग्लियोसाइट्स, मतलब जो गैंग्लियोसाइट्स होती हैं उनके अगेंस्ट भी हमारी एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन होता है यहाँ पे। जैसा हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, हम मिलर फिशर वेरियंट को हम देख सकते हैं कैसे हो रहा है। अगला हमारा पॉलीन्यूराइटिस क्रेनियलिस, मल्टीपल क्रेनियल नर्व पालसीज, एलिवेटेड CSF प्रोटीन, स्लोड नर्व कंस्ट्रक्शन वेलोसिटी। जैसे हम पहले पिक्चर में देख सकते हैं, बेबी की एक साइड की आइज ओपन है, एक साइड की ओपन नहीं, मतलब जिस साइड भी ओपन नहीं है वो साइड के हमारे मसल्स को जो है वीक है, वो स्लो डाउन है, वो एक्टिव नहीं है, मसल्स काम नहीं कर रही हैं इंडिविजुअल की। ठीक है, अगला हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हम देखेंगे, वीकनेस आएगा, पैरास्थीसिया आएगा, हाइपोरिफ्लेक्सिया आएगा, एयर रिफ्लेक्सिया आएगा, असेंडिंग वीकनेस होगा, डिस्काइनेशिया होगा, क्वाड्रीप्लेजिया होगा, पिपुलरी डिस्टर्बेंसेस हो सकता है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम देखेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, देखेंगे इंडियो को पहले कोई इंजरी, कोई इन्फेक्शन, वायरस इन्फेक्शन तो नहीं था। फिजिकल एग्जामिनेशन हम करेंगे, CSF एग्जामिनेशन हम देखेंगे हमारा वायरस की प्रेजेंस में मिल सकती है जो हमारा कॉज किया है। फिर इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी की स्टडीज़ करेंगे, सीरोलॉजिक टेस्टिंग करेंगे, सीरोलॉजी टेस्टिंग में हमें वायरस का सीरम मिल सकता है प्रेजेंट में। इलेक्ट्रोमायोग्राफी करेंगे हम, देखेंगे हमारे मसल्स की एक्टिविटी हम चेक करेंगे। ठीक है, मेडिकल में हम सपोर्टिव केयर देंगे, ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन देंगे, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, एनाल्जेसिक्स हम देंगे, मसल रिलैक्सेंट्स देंगे, हाई डोज इम्यूनोग्लोबिन थेरेपी देंगे, गिव सिंपल डायरेक्शन एंड वेट फॉर एडिक्वेट रिस्पॉन्स। ठीक है, ये हमारा आज हमने डिस्कस किया गुलियन बारी सिंड्रोम के बारे में। आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं।